वेलकम गाइज, आर यू एच एस एम के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए आर यू एच एस एम के चैनल को और पाए नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी का लेटेस्ट अपडेट। सो गाइज, आज का हमारा जो चैप्टर है वह है विद्युत धाराएं की करंट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। देखिए, आपका जो इंट्रेंस एग्जाम है ना, वहाँ पर यह इस चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है ना, प्रतिरोध, उनका पैरेलल में कॉम्बिनेशन, सीरीज क्रम में कॉम्बिनेशन, तरह तरह के कॉम्बिनेशन कर किए जाते हैं, किसके रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध के, और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये चैप्टर बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। विद्युत धारा 100% क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से। सो सिंपल बेसिक जो नॉलेज है, जैसे कि विद्युत धारा क्या है, किसी चालक के किसी प्रश्न में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का फॉर्मूला आप देख सकते हो, आवेश बाय समय, ठीक है। और ये एक अदिश राशि है, मात्रक इसका एम्पियर होता है, ओके। ये बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए, सदिश है, अदिश है, मात्रक क्या है, विमाएँ क्या होती है इसकी, ओके। तो ये बेसिक नॉलेज है। इसके बाद आपका आता है विद्युत वाहक बल, डेफिनेशन लिखी हुई है, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। और गाइज, विद्युत वाहक बल और विभवांतर में डिफरेंस, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इनको एक ही समझ लेते हैं कि विद्युत वाहक बल और विभवांतर एक ही है, बट ऐसा नहीं है, बहुत सारा डिफरेंस है, और डिफरेंस आपको देख सकते हो। ये देखिए, ये एक विभवांतर से बड़ा होता है, ये विद्युत वाहक बल से सदैव छोटा होता है। इसके कारण किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, किसी परिपथ में धारा प्रवाहित होने के फलस्वरूप विभवांतर उत्पन्न होता है, ठीक है। इसके बाद अनुगमन वेग आ जाता है आपको, सिंपल है, थ्योरेटिकल, और विश्रांति काल आ जाता है। उसके बाद विद्युत धारा और गति व अनुभाव में संबंध, ये देखिए, धारा घनत्व क्या होता है, धारा घनत्व विद्युत धारा अपॉन क्षेत्रफल, ये एक सदिश राशि है गाइज। और इसका मात्रक क्या होता है पता है आपको, धारा घनत्व का, धारा घनत्व का मात्रक क्या होता है। सो सिंपल, जो आपका धारा घनत्व होता है उसका मात्रक यहाँ पर देखो, देख सकते हो अभी आप, धारा घनत्व का मात्रक एम्पर अपॉन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ओम का नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ये जो टिप्स ट्रिक है ना, ये याद रखनी आपको गाइस। चलते थोड़ा और नीचे, प्रतिरोध क्या होता है, किसी चालक का प्रतिरोध उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर और उसमें बनने वाली धारा के। सो गाइज, आपको ये जो ब्रैकेट वाली चीज़ है ना, ये इनको याद रखना है, ठीक है। गाइज, कुछ स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर इंग्लिश मीडियम में, तो हम आपको बता दें कि इंग्लिश मीडियम में भी है, नीचे जो लिंक दिया हुआ है उसके थ्रू आप हमारे वेबसाइट पर पहुंचते हो, और वहां पर जब स्क्रॉल डाउन करते हो ना, तो आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सभी के मिलते हैं वहां पर, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी और हिंदी मीडियम वालों के लिए भी। ये देखिए, इसका जो रिजल्ट आएगा, कार्बन प्रतिरोध, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज, तो कार्बन प्रतिरोध का जो वर्ण कोड होता है ना, किस प्रकार से आपको याद, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, ये तो याद रखना ही पड़ेगा गाइज आपको, काला, भूरा, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैंगनी, स्लेटी, सफ़ेद, सुनहरा, और इनके लिए जो ट्रिक है वो तो सबको पता होगी कि बीबी रॉय ग्रेटे ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइब, ठीक है, ये इसकी ट्रिक है जिसके थ्रू आप याद रख सकते हो, जैसे कि बी रो वे, यानी कि ब्लैक, ब्राउन, रेड, रोए आर ई, रोए आर ओ मीन्स ऑरेंज, वाई मैंने पीला। तो इस प्रकार की ट्रिक थी जो बेसिकली पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपको पता नहीं है तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में अटैच कर देंगे, ताकि आपको ये ट्रिक पता चल जाए, ठीक है। सुनहरा के लिए 5%, ये तो छप गया क्वेश्चन, ऐसे मानो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि आपसे पूछ लिया जाएगा इसका जो वो निकालना जाता है ना, प्रतिरोध कलर देके, वो आपसे पूछा जाएगा वहाँ पे। सो गाइज, इसकी अगर आपको बेसिक डिटेल चाहिए ना, तो लिंक हम दे देंगे, जाके देख लेना, क्योंकि इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी हमने बना दिया था पहले, ओके। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए गाइज। सो गाइज, अब आ जाता है
कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जिसके हम बात कर रहे थे। और यहाँ से तो गाइज नीट पीएमटी जो एग्ज़ाम है वहाँ पर भी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, तो ठीक है कॉम्बिनेशन देखिए, क्योंकि वो आपका माइंड चेक करना चाहता है कि किस इसका लेवल क्या है बंदे का, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो प्लीज़ कोई भी बात समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके आप बता सकते हो कि जैसे कि प्रतिरोधों का संयोजन, तो सबसे पहले सीरीज में, तो सीरीज के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे आप, राइट। और ये देखिए समांतर की बात करें तो समांतर के लिए कौन सा फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, ये वाला पैरेलल के लिए, ये वाला। ओके कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और जब दो की बात आ जाए तो फिर कौन सा अप्लाई करोगे, दो प्रतिरोध को कॉम्बिनेशन हो तो फिर सुना होगा ना आपने R1 R2 upon R1 plus R2, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। नेक्स्ट किरचॉफ का नियम, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रथम नियम, इसका जो नियम है इस तरह से कि किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का योग बीजगणित योग शून्य होता है, ये नियम अवश्य याद रखना है आपको। और उसके बाद द्वितीय नियम आ जाता है कि किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद यानी कि लूप में विद्युत वाहक बलों का बीजगणित योग उस पास के विभिन्न भागों में धाराओं के संगत के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। और गाइज आपके लिए तो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन भी स्टार्ट कर दिए, हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, अभी हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हम आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा रहे हैं, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। वेस्ट स्टोन सेतु मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसने ट्वेल्थ अच्छे से पढ़ ली होगी बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं पढ़ी तो कोई दिक्कत नहीं, हम नोट्स आपको अवेलेबल करवा रहे हैं, अभी भी टाइम है, अभी भी आप अगर रात दिन एक कर लोगे ना तब भी आप आगे निकल जाओगे, ठीक है। तो ये वाइस स्टोन सेतु है और इनके पीडीएफ लिंक हमने, सो गाइज इनके पीडीएफ लिंक हमने अवेलेबल करवा दिए आपको, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप पीडीएफ लिंक ले सकते हो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए, ठीक है। अब रही बात प्रैक्टिस क्वेश्चन की, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं, तो आ जाइए यूट्यूब पर, आपको ओपन कर लेना है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ लेना मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, प्रतिरोध का संयोजन यानी कि डिफरेंट तरीक़ों से आप उनका संयोजन कर सकते हैं, जैसे कोई एक प्रतिरोध इस प्रकार जुड़ा है, कोई इस प्रकार जुड़ा है, कोई इससे मिसमैच होकर इधर जुड़ा है, ऐसे जुड़ा है, ठीक है। इसके हम प्रैक्टिस भी आपको करवा देंगे, प्रतिरोध का संयोजन क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ओके तो प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं पहले हम आपको किस प्रकार से आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं। सो गाइस जैसे कि ये आपका यूट्यूब है, यहाँ पर सर्च का ऑप्शन आता है, तो सर्च पर आपको क्या लिखना है, जेकलोन जॉब, जैसे कि ये हमने सर्च किया जेकलोन जॉब, सर्च करने पर इस प्रकार का लोगो आ जाएगा ना, तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये वीडियो का ऑप्शन आपके सामने आ जा रहे, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद ये पूरी की पूरी एलिबम्प आपके मोबाइल में आ चुका है, यहाँ पर इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन देखिए, बॉटनी के, जूलॉजी के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, इतने सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि आप देख के खुश हो जाओगे। ये देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल है आपके एग्ज़ाम के लिए, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी सब कुछ यहाँ पर मिलेगा, बस आपको तो ये स्टेप फॉलो करना है कि यूट्यूब पे जाके सर्च करना है जेकलोन जॉब। वैसे बेसिकली लिंक भी दे दिया हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके भी चेक कर सकते हो। ओके और एक और तरीका है, ये तो आपको जेकलोन के लिए, ठीक है, जहाँ पर आपको इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं ओनली हिंदी मीडियम वालों के लिए, तो वह है जीके एमसीक्यू जेएमके चैनल, ये देखिए यही चैनल आपको फॉलो करना है, ये लीजिए वीडियो सेक्शन पर आपको क्लिक करना है, ये देखिए इतने सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पर आपको, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, यानी कि हमारी तरफ से तो कोई कमी नहीं है देखो, और आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बहुलक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अर्धचालक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ढेरों सारे
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपके सामने, तो जाइए ना, देर किस बात की, लिंक नीचे दे दिए दोनों चैनलों के, और दोनों को फॉलो कर लीजिए ताकि आपका थोड़ा सा सिलेक्शन हो सके, थोड़ी बहुत तैयारी हो सके, ठीक है, और आपके और अपने माता पिता का नाम रोशन हो सके।